महाराज प्राण प्रतिष्ठा करवाने से वो मूर्तियां जागृत हो जाएंगी। हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि वो छह अवगुण लोभ क्रोध काम मोह मद एवं मत्सर मनुष्य के शत्रु हैं महाराज। पंडित राम कृष्णा, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज मेरा भय व्यर्थ का नहीं है, मेरे विचार से उन मूर्तियों को सिंहासन में जड़वाने की या उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाने की आवश्यकता नहीं है महाराज। आवश्यकता है पंडित राम कृष्णा, आवश्यकता है, अन्यथा वो सिंहासन पूर्ण नहीं होगा। उज्जैन राज्य के सिंहासन में भी वो छह मूर्तियां जड़ित थी, ठीक ही नहीं? जी महाराज। बस तो आप भी निश्चिंत रहिए पंडित रामकृष्णा, मनुष्य के ये तथा कथित छह शत्रु यदि महाराज विक्रमादित्य का कोई अहित ना कर पाए तो हमारा अहित क्या करेंगे। महाराज कृपया आप अपने हाथों से इस पवित्र जल को स्पर्श कीजिए, उसके बाद हम मूर्तियों को स्नान करा करके प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करते हैं। अवश्य। प्रतिष्ठा की पूजा संपन्न हुई, अब हम प्रसाद वितरण करते हैं। हम स्वयं ले लेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इस शुभ अवसर पर हमने आप सभी के लिए भोजन का आयोजन किया है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। अब होगा विजयनगर पर लोभ का हमला। देखिए आपने शक्कर कम तो ली है, ये दो शेर शक्कर नहीं है। अरे ये दो से ही शक्कर है। अरे आपके सामने ही तो तौली है। ओ महोदय क्या बात हो गई, क्यों झगड़ रहे हैं? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। देखिए पंडित जी ये व्यापारी मुझे दिन दहाड़े लूट रहा है, अब आप ही जांचिए क्या ये दो सेर शक्कर है। दिखाइए पंडित जी। लोभ ने इसका विवेक हर लिया है, पूरा धन लेकर कम वस्तु तोलता है। आप जरा अपनी तराजू दिखाइए, दिखाई दिखाई तराजू दिखाई, कहाँ है? लाइए दिखाई, ये दिखाइए, छोड़िए। आप भी ढोल वाले सिद्धसेन महोदय की भांति चुंबक का प्रयोग दूसरों को छलने के लिए कर रहे हैं। आपको तो कोतवाल महोदय ही सबक सिखाएंगे। अब मुझसे बड़ी भूल हो गई है पंडित जी, कृपया मुझे क्षमा करें। भूल हो गई है ना, तो अब दंड भुगत कर प्रायश्चित कीजिए। महोदय चलकर अभी कोतवाल महोदय से इनकी शिकायत कीजिए। अवश्य। महोदय अगर आप मुझे क्षमा कर देंगे ना तो मैं आपको एक चांदी की मुद्रा दूंगा।
चांदी की मुद्रा। हाँ। अरे आप सोच में क्या पड़ गए, लालच में मत पड़िए। उन्होंने न जाने अब तक कितने लोगों को इस तरह से छला होगा, इन्हें दंड भुगतने की आवश्यकता है। तो कोतवाल महोदय ही इन्हें सबक सिखाएंगे। अरे कैसा छल पंडित रामाकृष्णा जी, आपको अवश्य कोई भ्रांति हुई है। अरे ये तो अत्यंत सज्जन पुरुष है, लाइए दीजिए दीजिए। अरे दे दीजिए। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। पटवारी महोदय, कृपया पिताश्री का इच्छा पत्र बदलकर उनकी संपत्ति मेरे नाम कर दीजिए। मेरे भ्राता पहले से ही बहुत धनी हैं और उनको धन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कर दूंगा, परंतु इसके बदले आपको अपनी संपत्ति का तीसरा हिस्सा मुझे प्रदान करना होगा। अवश्य। विजयनगर में लोभ और लालच का रूप देखकर कुछ असामान्य प्रतीत हो रहा है, कहीं मनुष्य के 6 शत्रुओं का आक्रमण आरंभ तो नहीं हो गया? विजयनगर पर लोभ का प्रभाव आरंभ हो गया है, परंतु असली परीक्षा तो विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय की है। लोभ अवश्य ही कृष्णदेवराय को परास्त कर देगा। विजयनगर का अंत निकट आ गया है कृष्णदेवराय। महोदय, आप मेदू वड़ा बना रहे हैं या जलेबी? महोदय, ऐसे मेदू वड़ा श्रीलंका के महाराज खाते हैं। उचित है, हमें भी दीजिए। अवश्य, बैठिए बैठिए, बस तैयार हो रहा है। लोभ का प्रकोप धीरे धीरे संपूर्ण विजयनगर में फैल रहा है। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। आप भी आइए, श्रीलंका के विशेष मेदू वड़े का आनंद लीजिए। विशेष मेदू वड़ा? जी पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। ये देखिए, श्रीलंका के राजा को ये जलेबी समान मेदू वड़े अति प्रिय हैं। जलेबी समान मेदू वड़े? हाँ हाँ। रामा, ये मेदू वड़ा वाला तो मूर्ख बना रहा है। श्रीलंका के राजा के प्रिय मेदू वड़े बताकर ये लोग भी छोटे छोटे मेदू वड़े बनाकर लोगों को खिला रहा है। उचित है, दीजिए दीजिए। दो दो, पंडित जी को दो। धन्यवाद। अरे अरे, इन सबको भी दीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, खाइए। भाई आनंद आ गया, अब आ गया। दीजिए। प्रणाम। पंडित रामाकृष्ण जी, जाते जाते श्रीलंका के दुर्लभ मेदू वड़े का मूल्य तो चुकता करते जाइए। किंतु मेरे पास श्रीलंका की मुद्राएं तो है ही नहीं। श्रीलंका की मुद्रा? हाँ, श्रीलंका के दुर्लभ मेदू वड़ों का मूल्य मैं विजयनगर की मुद्राओं में कैसे चुका सकता हूँ, है कि नहीं भाई? कभी श्रीलंका गया तो वहाँ से वहाँ की मुद्राएं अवश्य लाऊंगा और आपको आपका मूल्य भी चुकाऊंगा। अभी आ गया, दीजिए। प्रणाम। यहाँ तो लेने के देने पड़े। चल मूर्ख, दुकान समेट। मुझे पंडित रामाकृष्ण से सावधान रहना होगा, अन्यथा ये अवश्य ही
लोभ के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करेगा। लोभ से अपनी रक्षा कब तक कर पाओगे पंडित रामकृष्णा? धन से भरी हुई पोटली? अरे इतना लापरवाह कौन हो सकता है? सैनिक महोदय। प्रणाम पंडित रामकृष्णा जी। प्रणाम प्रणाम। किसी ने अपने धन की पोटली यहाँ गिरा दी है। आप एक कार्य कीजिए, इसे कोतवाल महोदय के पास जमा करा दीजिए और उनसे कहिएगा कि ये पोटली उसे ही दे जो इस पर अपना स्वामित्व सिद्ध कर सके। अवश्य अवश्य। ये लीजिए। जो आज्ञा। जय प्रणाम। प्रणाम। मन्नू राव सुन, अगर इस धन की पोटली से आधी स्वर्ण मुद्रा निकाल लें किसी को कुछ ज्ञात भी नहीं होगा। अरे सूर्य से मैकी और पूछ पूछ। अरे अवश्य शीघ्र शीघ्र। ये ले। शारदा जल देना। ये लीजिए। क्या बात है, अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रही हो। क्यों ना हो, आपको पता है आज अत्यंत ही रोचक घटना जो हुई है। आज हम मंडी सब्जी खरीदने के लिए गए और वहाँ पर सब्जी वाले की दुकान पे बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, इसलिए वो हमसे धन लेना ही भूल गया। ए बंधु। रामा, लोभ का आक्रमण तेरे घर पर भी हो गया। पहले तो हमने सोचा कि इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, परंतु फिर हमने ये विचार त्याग दिया और उसे धन दे दिया। ऐसा करके हमें बड़ी ही प्रसन्नता महसूस हुई और अपने ऊपर गर्व भी हुआ कि हम लोभी बिल्कुल भी नहीं। पता है अम्मा होती तो क्या करती। क्या ये? मुझे भी तुम पर गर्व है शारदा। उचित क्या, एकदम उचित क्या। हाँ ये लो। शारदा, शीघ्र मेरे लिए भोजन परोस दो। ये लीजिए। ओ शारदा महोदया, ये क्या है? मैं कच्ची सब्जियां खाऊंगा। ये कच्ची सब्जियां खाने के लिए नहीं है, अबे तू काटने के लिए। काट दीजिए। काटने के लिए अर्थात? हाँ, अब अम्मा तो घर पे है नहीं और जब तक अम्मा वापस नहीं आ जाती तब तक सब्जी काटने का दायित्व आपका। अरे सोच क्या रहे, शीघ्र कीजिए अन्यथा दरबार जाने में आप ही को विलंब होगा। अरे मैं कब काटूंगा, तुम कब पकाओगी? इससे तो उचित है कि मैं बाहर जाकर ही कुछ खा लूं। ये लो। उचित है, जैसी आपकी इच्छा। आने दो, आने दो मेरी अम्मा को। सब बताऊंगा उसे कि कैसे तुमने मुझे प्रताड़ित किया हुआ है। मेरी बेचारी अम्मा तेनाली गांव में आराम से ये सोच रही होगी कि उसके पीठ पीछे उसके पुत्र का देखभाल करने के लिए कोई है। उसे क्या पता कि उसके पीठ पीछे उसके पुत्र को घर में भोजन तक नहीं मिलता। जा रहा हूँ मैं। सुनिए सुनिए, हम तो परिहास कर रहे थे। किंतु मैं परिहास नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। हाँ सुनिए, एक क्षण रुकिए, हम अभी आते हैं। भोजन तो हमने पूर्व ही बना दिया था, हम तो केवल परिहास कर रहे थे। मैं भी तो केवल परिहास कर रहा था। अच्छा सुनो, अम्मा की अनुपस्थिति का लाभ उठा ले। चुप चुप कर। क्या 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 लाभ उठा रहे, कोई कुछ भी बोलता है गुंडप्पे। तो सुन, भोजन कर मेरे साथ। गुंडप्पे, हम तो लिए भोजन लेकर आते, बैठ। हाँ शीघ्र लाओ, शीघ्र लाओ। ला रही है, ला रही है। Hey
महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महामंत्री जी। महाराज आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज समस्तपुर राज्य से देवी चित्रांगदा आपसे मिलने के लिए इच्छुक है। समस्तपुर राज्य। जी महाराज। हमारे स्वर्गीय पिताश्री के मुख से हमने इस राज्य का नाम सुना है। महामंत्री जी, देवी चित्रांगदा को ससम्मान दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। चाहिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम देवी चित्रांगदा। कहिए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। महाराज आपके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों की सहायता की थी, बस उसी सहायता का धन्यवाद करने हम यहाँ विजयनगर आए हैं। क्षमा चाहते हैं देवी, परंतु हम कुछ समझे नहीं। हम भी नहीं समझे। देख लीजिए एक बार पुनः मणियां आई है। हाँ सात नहीं अपितु अनगिनत गुरुजी अनगिनत। भाई भीत मत करो, भाई भीत मत करो। महाराज ये समस्त धन आपका है। प्रणाम महाराज, क्षमा करें, वो मैं अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए पंडित रामकृष्ण। जो आज्ञा महाराज। आश्चर्य है रामा, आज तुझे किसी ने भी विलंब से आने के लिए नहीं टोका। इससे अधिक सुखद और क्या हो सकता है बंधु। ये रूपवती स्त्री कौन है? ज्ञात नहीं, तू सो जा।